1935 से है इसका मतलब। ये चर्च मुझे नहीं पता था इतना ज़्यादा। तो भाई लोगों ये देखो आ गया चर्च, और ये देखो ये है चर्च की शुरुआत, और ये परछाई में थोड़ा थोड़ा मैं, और ये लोग आए हुए हैं, और ये देखो सारा कैंडल्स का, और आगे क्रॉस, और ये मुझे पता नहीं क्या है, अगर किसी को पता हो तो जरूर कमेंट में बताए। और फिलहाल मैं कर रहा हूँ चर्च में एंट्री, और ये रहा चर्च, अब करते हैं चर्च में एंट्री। और ये चर्च के फादर, हालांकि बहुत पुराना मगर अच्छा लगता है। पूरे स्टैंड जहाँ पर लोग बैठते हैं, चर्च के नारे अंदर आगे लाई, और ये फिलहाल मैं निकल गया चर्च से बाहर, प्रे कर ली, सब हो गया। बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर होता तो नहीं है इनका, बस अब निकल गए, और अब मैं एंट्री कर गया ग्रेवयार्ड के, यहाँ पे तो दिखाता हूँ ग्रेवयार्ड के आज के हाल। और ये देखो ये आ गया, ये डेट 1910, तो 1985 पास हुए। ये चर्च बहुत ज़्यादा पुराना तो है नहीं मेरे हिसाब से, 1974 इतना पुराना तो है। चलो देखते हैं, और सबसे पुराना क्या कहते हैं इसमें, कब्र बोलते हैं, बाकी देखते हैं। 1970, और ये देखो पूरा का पूरा जीसस क्राइस्ट की तरह ही वो मतलब पूरा वो क्रॉस बना देती है। से है इसका मतलब। ये चर्च मुझे नहीं पता था इतना ज़्यादा। भाई ये देखो सारे के सारे आगे दूर तक पूरा का पूरा ग्रेवयार्ड ही ग्रेवयार्ड। और ये देखो भाई क्या ब्यूटीफुल, मतलब यही कह सकते हैं। मगर हाँ देखो ये बाकी सब में मतलब सबसे ज्यादा इसके वो फ्लावर्स वगैरह और सारा कुछ कर रखा है। बस भाई चर्च का इतना ही था, और मैं क्या दिखाऊँ अभी इसमें, अब हर एक उस पर तो पढ़ पढ़ के बता नहीं सकता भाई। अब अपने को थोड़ी सी कम नॉलेज है, तो भाई कोई भी क्रिश्चियन भाई हो तो हाँ कोई फील मत करना कुछ उल्टा सीधा, क्योंकि तो हमको खुद को नहीं पता भाई कुछ। हाँ कुछ उल्टा बोलो तो करेक्ट जरूर कर देना। तो बस भाई आज के लिए इतना ही, ख़त्म, टाटा बाय बाय।